नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम एपिसोड के एक नए एपिसोड में, जहां मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एक ऐसा जाल बिछाया गया एक लड़की के द्वारा और उसके तीन चार साथी के द्वारा कि मतलब बहुत सारे लोगों को शिकार किया गया है। आज आपको बताने वाला हूं कि लड़की किस तरह से अपने हुस्न के जाल से, अपने खूबसूरती के जाल से वो लोगों को फंसाती और उससे पैसे ऐंठती। लेकिन ये किस तरह का मामला है, ये हनी ट्रैप का केस दिल्ली की एक घटना है जहाँ पे पुलिस ने महज 50 घंटे में सॉल्व किया। दोस्तों सबसे पहले बता दूँ आपको, ये जो हनी ट्रैप होता है ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसीलिए सावधान रहे। और सोशल मीडिया पे जो आपको बेहतरीन तस्वीरें दिखाई जाती है जिससे बहुत सारे लोग फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और आशा लगाते हैं कि किस तरह से फ्रेंड एक्सेप्ट किया जाएगा, मीठी मीठी बातें की जाएंगी, इस तरह से आपको फंसाया जाता है। इसे कहते हैं हनी ट्रैप, जहाँ पे आपको कुछ लुभावने बातें करके, खूबसूरत बातें करके, प्यार भरी बातें करके और आपसे मुलाकात करके आपको फंसाया जाएगा, उसके अवज में पैसे अटे जाएंगे। ठीक ऐसा ही केस हुआ है दिल्ली की और मैं आपको पूरी डिटेल्स आपको इसमें बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहले लड़की जो है एक बड़ी हस्ती को फंसाती है, यानी बड़े कारोबारी को, एक कारोबारी को फंसाया गया, एक बिजनेसमैन को, एक सोशल मीडिया के जरिए दोनों टच में आए, दोनों ने बातें की, बहुत सारी बातें की और वो लड़की धीरे धीरे आस्ते आस्ते उससे सब कुछ जानने की कोशिश की, मतलब एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश की और अंत में जा कर के बिजनेसमैन को कहा कि चलो मिलते हैं एक होटल में दोनों मिल करके और बातें करेंगे, दोस्ती भरी बातें करेंगे और साथ ही रात बिताएंगे। इस बात को सुन करके बिजनेसमैन को मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हुई, उसे लगा कि उसकी दोस्ती पक्की हो गई है, अब हम लोग ऐश मौज करेंगे। बस इसी चक्कर में और ये लड़की जो है पूरी तरह से जाल बिछा करके बैठी थी, एक फ्लैट में बुलाया जाता है उसे, फ्लैट में बुला करके जैसे ही वो आता है और वो लड़की, दोनों लड़की और बिजनेसमैन दोनों मिल करके मीठे मीठे बातें करते हैं और अंत में जब मामला शुरू होता है और दोनों जब संबंध बढ़ाने से पहले ही पुलिस आ जाती है वहाँ पे। और पुलिस, वो भी कौन से पुलिस, लड़की के चार दोस्त होते हैं जो कि नकली पुलिस की वर्दी पहन करके आते हैं और उन लोगों को पूरी तरह से ट्रेंड किया जाता है इस तरह से कि जैसे लगेगा कि वो पूरी तरह से एक असली पुलिस है। और ये सारी जो वारदात होती है ये पहले से प्लानिंग किया हुआ रहता है और इसी वजह से चारों पुलिस आती है और उसके बाद लड़की जो रोने लगती है और लड़का को जो है वो पूरी तरह से, यानी वो जो बिजनेसमैन होता है उसके ऊपर पूरी तरह से जो कह सकते हैं तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा, बहुत कुछ बातें सुनाई जाती है। अंत में आकर के बोलते हैं चलो इसको अगर मतलब केस को सुलटाना है तो दोनों मिल करके इसको सॉल्व करते हैं, तुम कितना पैसे देना चाहते हो या तुम्हें इतना पैसा देना होगा, इस तरह से बातें हुई। उसके बाद से लगभग 1.5 लाख रुपया जो है उस बिजनेसमैन से टाना गया और 1.5 लाख लेकर के पुलिस भी वहां से चली जाती है और लड़की भी अब फ़ोन उठाना बंद, सोशल मीडिया पे अकाउंट बंद, सब कुछ बंद हो जाता है। तो यानी कि जो है ये जो बिजनेसमैन को फंसाने का जाल होता है वो पूरी तरह से कामयाब हो जाता है, हनी ट्रैप जो होता है पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। उसके बाद बिजनेसमैन जो है वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा कर के कंप्लेन करता है, जो मेरे पास पुलिस आई थी और इस तरह के सब कुछ हरकत हुए, तो पुलिस ने साफ साफ कहा कि आपको फंसाया गया है हनी ट्रैप के जरिए में, आपसे पैसे ऐंठने के लिए। उसके बाद पुलिस सारी मामला को दर्ज करती है और अपने जो कह सकते हैं कि खुफिया लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जाता है कि इस तरह का वारदात हुआ है आसपास में। तब पुलिस जो है एक आदमी को सबसे पहले पकड़ता है, उसके जरिए जो है वो सारे लोग पकड़े जाते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो लड़की फरार है जो कि फंसाती है सोशल मीडिया पे अकाउंट, नए नए अकाउंट बना करके, नए नए नाम बना करके वो फंसाती है, तो वो अभी फरार है। लेकिन चारों आरोपी जो पुलिस बनकर गए थे वो सारे गिरफ्तार हो गए हैं। अब पुलिस जांच कर रही है कि वो लड़की को किस तरह से पकड़ा जाए। तो दोस्तों ये था वो हनी ट्रैप का केस जो अभी फिलहाल दिल्ली में हुआ है और ये बहुत बड़ा ट्रैप था और इससे कई सारे लोग भी फंस रहे थे। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर से एक क्राइम न्यूज़, एक क्राइम एपिसोड में एक सच्ची घटना लेकर के आएंगे आपके साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।